आखिर कितना विकास कर चुका है पाडर, क्या मिल पा रही है जनता को मूलभूत सुविधाएं, आखिर क्यों युवाओं को उठानी पड़ रही है आवाज़, आखिर कहाँ चले जाते हैं यह चुनावी राजनेता, जो फिर दिखने वाले हैं आपके दरवाजे पर वोट मांगते। क्या हालत है पाडर में सरकारी विभागों की, जाने इस युवक की जुबानी। नमस्कार, मैं मनमोहन सिंह आपके सामने कुछ अपने विचार रखना चाहता हूँ। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे गांव में सरकार के बहुत सारे ऑफिस जो है हमारे सहूलत के लिए खोल के रखे गए हैं, और दुख की बात यह है कि इसका फ़ायदा हमारे आम जनता तक नहीं पहुँच पा रहा है। जैसे कि आपके जानते हैं कि 18 के बाद सबसे बड़ा PSC हमारे मसूर गाँव में आता है, और दुख की बात यह है कि यहाँ ज़रूरत पर हमें फर्स्ट एड तक भी नहीं मिलती है। इवन यहाँ तक मैं बात करूँ कि यहाँ हमें टाइम पर दवाई भी नहीं मिल पाती है, सिर्फ हमारे लोकल स्टाफ यहाँ पर रहता है और डॉक्टर हमें कोई दिखाई देता नहीं है। ऐसे हालात में हमारे पेशेंट यहाँ से कहाँ कैसे जा सकते हैं। ये अगर देखा जाए तो हमारे गांव में बहुत स्टाफ यहाँ पर पड़ा हुआ है, जैसे हमारे पास शेप एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट भी है, लेकिन उनका अब तक कुछ स्टाफ यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी है, कहने के लिए यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट, लेकिन ये लोग जो हैं सिर्फ ग्राम सभा के अलावा यहाँ में कभी दिखाई नहीं देते हैं। क्या इन डिपार्टमेंट के धीरे से हमें यहाँ के लोगों को जो सरकार की जो स्कीमें हैं क्या वो मिल पा रही है, तो ये भी हमें सोचने और जागने की ज़रूरत है। कहने के लिए यहाँ पे तो पोस्ट ऑफिस भी है, लेकिन एक भी पोस्ट एक पार्सल जो है आप हमारे घर तक अब तक डिलीवर नहीं हुआ है। कहने का तो है हमारे लिए पोस्ट ऑफिस भी है, लेकिन हमारे लोग अब तक यहाँ पे भी चीज़ भी यहाँ पर पहुँच ही नहीं पा रही है। कहने के लिए हमारे पे यहाँ पे बैंक भी है, कागज़ों पे तो है लेकिन फंक्शन कर रहा है मशीन में। तो मुझे हैरानगी इस बात की है कि हमारे गाँव में के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या मुझे लगता है कि हमारे लोग जो है इन मामलों में संज्ञान लेना चाहिए, आखिर कब तक हम सोए रहेंगे। अगर जिस तरीके से ऑफिस जो है सरकार ने हमारे गांव में खोले हैं तो इनका कुछ ना कुछ तो काम तो होगा। इनके जरिए सरकार जो है अपनी नीति जो है लोगों तक पहुंचाना चाहती है, पर अब तक क्या ये चीज़ें हमारे लोगों तक पहुंच पा रही हैं। तो इनका जो काम सिर्फ कमरा पकड़ना ही तो नहीं है, तो मुझे लगता है कि इन मामलों पर प्रशासन को भी संज्ञान लेना चाहिए और मेरे गाँव वालों को भी इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर कब तक हम सोए रहेंगे। क्या इस तरीके से मांग मूंद का बैठने से हमारे गांव तरक्की कर पाएगा, क्या हमारे गांव जो है वो डेवलपमेंट की राह पे चलेगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे गांव को इस पे जागरूक होने चाहिए और सरकार को भी इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैं आपको एक बार फिर से अपने गांव से वासियों से निवेदन करता हूँ कि इन चीज़ों पर थोड़ा सा नज़र कीजिए। धन्यवाद।